सबसे पहले इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इस मैजिक सर्कल के अंदर 14 डबल क्रोशिया हमें बना लेने हैं। चौदह डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट वाली चेन में जॉइंट करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह सभी चेन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। सेकेंड राउंड हमें कंप्लीट कर लिया। अभी लास्ट वाली चेन में अटैच करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह हम राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया। एक चेन बनाएंगे, ये बैक वाली चेन के ऊपर हमें सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। पूरा राउंड सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिया। अभी दो चेन बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशे स्किप करके तीसरी वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चेन, फिर दो स्किप करेंगे तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चेन, फिर दो स्किप करेंगे तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, दो चेन। इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया। अभी स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट करेंगे, एक ग्रीन वाला धागा यहीं पर कट करेंगे, यहाँ से हम रेड कलर का अटैच करेंगे। पहले एक स्लिप नॉट बना के फिर तीन चेन बनाएंगे, इसी दो चेन के बीच में हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर अगले वाले दो चेन के बीच में फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में तीन डबल क्रोशिया, एक दो, तीन। इसी तरह सभी में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाते हुए हम लास्ट तक आ गए, यहाँ पर जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर हम ग्रीन वाला धागा
अटैच करेंगे। यहाँ हमने ग्रीन कलर अटैच कर लिया, तीन डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर बंदा लेके फिर क्रॉस डिज़ाइन बनाएंगे ऐसा, और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से क्रॉस, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेने हैं। सेम इसी तरह और एक बार बना के आपको दिखाएंगे। राउंड कंप्लीट करके लास्ट में अटैच करेंगे, फिर एक चेन बना के धागा यही छोड़ देंगे। फिर से हम रेड कलर का धागा यूज़ करेंगे, एक स्लिप नॉट बना के हरे वाला धागा में से निकाल के तीन चेन बनाएंगे। इसी के अंदर जो हमने क्रॉस डिज़ाइन बनाया था उसके बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन से मिला के दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, टोटल तीन हो जाएंगे। फिर से अगले वाले क्रॉस डिज़ाइन के बीच में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरे में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। आपको जितना बड़ा बनानी है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। हमने लास्ट तक आ गए, आपको जितना राउंड बनानी है आपके हिसाब से बना लीजिए। लास्ट में सभी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए वर्क पूरा करेंगे। आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, एक पेन होल्डर की तरह और एक फ्लावर वाज रख के भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है।